चंगाई हो पूरा हो गया, आंतरिक चंगाई से हो गया, आंतरिक चंगाई मिला इसको। ऐसा मैं बात करने में उसका तकलीफ क्या है मुझे समझ में आया, उसका अंदर बहुत दुख था, वो दुख के कारण से भी बीमार हो गया। वो जो लोग मुझे समझते नहीं वो ऐसा दुख में, ऐसा भी आंतरिक चंगाई के बाद में भी ठीक होता है। वंदना आके थोड़ा सच दे दो, पहली बार आया है ना, आंतरिक चंगाई के बाद में चंगाई मिला ना, वो थोड़ा सच दे दो इधर आके। ऐसा लोगों को भी कैसा ईश्वर काम करते, थोड़ा छोटे से बोलना, ज्यादा नहीं बोलना। फिर से जय श्री सबको। मैं फरवरी महीने में आई थी यहाँ पे रिट्रीट में, उससे पहले मैं एक, अभी तो मुझे पूरा एक साल हो गया है मेरा एक ऑपरेशन होके, उस ऑपरेशन की वजह से मेरा 3 बार ऑपरेशन हुआ और 3 बार में मेरा ठीक होना, मैं स्टार्टिंग में फादर से मैंने फेस टू फेस मिली नहीं थी, लेकिन फादर जी से मैं फ़ोन में बात किया जब मेरा सेकेंड ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने मुझे बताया, तो फादर जी को पता है प्रार्थना करो मेरे लिए करके, तो उन्होंने प्रार्थना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मैं फादर जी से मिलने यहाँ पर भी आई, फिर उसके बाद मैं ठीक होते आ रही थी प्रेयर में भी और आगे बढ़ते गई। उस बीच में अभी पिछले महीने में फिर से एक चौथा ऑपरेशन बताया डॉक्टर ने, तब भी मैंने फादर को, जब भी दुख होता है तब मैं सीधा इधर ही डिवाइन वचन आश्रम को फ़ोन लगाती हूँ, तो तभी मैंने फ़ोन किया तो फादर जी और डिवाइन वचन आश्रम की पूरी टीम ने मेरे लिए प्रार्थना किया। उसके बाद फिर जाके डॉक्टर के पास जाके दिखाई तो डॉक्टर ने मुझे बोल दिया अभी कोई गांठ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा करके उन्होंने मुझे बताया। तो मैं उसका धन्यवाद बोलने के लिए मैं आज ये रिट्रीट में आई हूँ, ये 3 दिन के रिट्रीट में, कि तो बहुत धन्यवाद मुझे, कि प्रभु को धन्यवाद कि मुझे पहली बार जब मैं फरवरी में आई थी तभी मैं आई एक तकलीफ, मन में बहुत सारी तकलीफ लेके आई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद वो ऑपरेशन का घाव भी ठीक हो गया, साथ साथ मेरे 7 साल का जो रीढ़ की हड्डी का जो दर्द था, जो 7 साल से मैं सह रही थी, वो दर्द भी मेरा उसी समय में, उससे भी मुझे छुटकारा मिला। इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हर एक दर्द से मुझे छुटकारा दिन ब दिन मुझे ठीक करते जा रहा है, इसके लिए मैं प्रभु को और डिवाइन वचन आश्रम को मैं धन्यवाद देती हूँ। ये दूसरा बेटा